और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दावा, पंजशीर के सभी जिलों पर अब तालिबान का कब्जा। पंजशीर घाटी के चप्पे चप्पे पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, ऐसा तालिबान का दावा है। तालिबान के कब्जे में पंजशीर और अंधराब घाटी है। अहमद मसूद ने रखी थी हमला रोकने की शर्त। सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि पंजशीर अब पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में है। हालांकि बार बार नॉर्दर्न अलायंस की ओर से, अहमद मसूद की ओर से कहा जा रहा था कि पंजशीर का ख्वाब देखना छोड़ दे तालिबान, लेकिन अब जो है वो लगातार डेवलपमेंट हो रही है। बड़ी खबर इस मामले में ये कि अहमद मसूद को भी अगवा कर लिया गया। अफगानिस्तान का पंजशीर ही वो इलाका था जिस पर तालिबान ने अब तक कब्जा नहीं जमाया था, लेकिन पंजशीर का किला भी ढहते नजर आ रहा है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की सेना हारने की कगार पर पहुंच गई है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती की तालिबानी लड़ाकों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लड़ाई में अहमद मसूद के परिवार से जुड़े कमांडर भी मारे गए हैं। गुल हैदर खान, मुनीब अमीरी और जनरल वुदाद की तालिबानी लड़ाकों ने हत्या कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह के घर पर रॉकेट से हमला किया है। हेलीकॉप्टर से हमला करने वाला पाकिस्तानी पायलट था। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि सालेह और मसूद को तालिबानियों ने बंधक बनाकर अज्ञात जगह पर रखा हुआ है। अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबान से लड़ रही है नॉर्दर्न अलायंस के योद्धा। इस बीच तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर पर जीत का दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में दावा किया है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है, अब पंजशीर पर उनका कंट्रोल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।